ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आखिर आपने कुलगुरु के पास गया तो कुलगुरु ने कहा कि आप ऐसे मौन में चुप चुप क्यों रहते हैं। तब कहा कि ऐसा प्रतिज्ञाबद्ध हूं और वो ऐसा काम कर रहे हैं। वो कहता है ठीक है, आप जाने और आपका काम जाने, आपने प्रतिज्ञा किसको पूछ के की और परेशान। आखिर एक दिन गंगा क्या करते हैं, एक बच्चों को नदी में बहाने के लिए जाती है तो भीष्म पीछे पीछे चला गया और जब वो पानी में फेंकते कहते ये तुम ये क्यों कर रहे हैं, मौन तोड़ दिया। तब गंगा ने कहा ये जो बच्चे हैं ब्रह्मा के श्राप के कारण धरती पर जन्म लिया था, अब उनका तो जन्म लिया श्राप तो पूरा हो गया, अब मैं कहते हैं कि इसको मुक्ति दिला रहे हैं यहां से, इस नरक से, इसीलिए मैं इसको बाहर है। वो तो अच्छा काम कर रही थी लेकिन कहा कि मैंने आपको कहा कि चुप रहना है लेकिन आपने बोल दिया, आपने वचन तोड़ दिया, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, वो चली गई। ये जो भी कुछ शास्त्रों में ऐसी छोटी छोटी कहानियां बताई है संगम युग की यादगार है। आज हमारे साथ जो कुछ हो रहे हैं, कोई हमें तंग कर रहे हैं, कोई परेशान कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने भी कभी उनको तंग किया था, परेशान किया था। तो जितना वो तंग करेगा, परेशान करेगा तो हमारा हिसाब क्या हो रहा है, हिसाब चुक तो हो रहे हैं। तो जब हमें कोई तंग करता है, परेशान करता है, हमें क्या रहना है, चुप रहना है। लेकिन हम कहते हैं ये क्यों कर रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। अगर हमने क्यों क्या कहा चुप्पी तोड़ दी तो हमारे दिमाग में जो ज्ञान गंगा बैठी है वो चली जाएगी। हमारे दिमाग में ज्ञान नहीं बैठ सकता, इसलिए हमारे साथ कुछ भी होता है हमें चुप रहना है। यह है सहन शक्ति। थोड़ा भी निगेटिव सोचा, क्यों क्या कहा, ज्ञान गंगा चली। जिसके दिमाग में ज्ञान ही नहीं है, क्वेश्चन करता है, वो तो अज्ञानी होगा। इसलिए हमें चुप रहना, और जितना चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, उतनी हमारे पास सहन शक्ति आएगी। और जितनी सहन शक्ति आएगी, जितनी सहन शक्ति आएगी उतनी गहरी शांति की, क्योंकि सहन शक्ति बड़ी बहन है। तूने ठुकराया तो मैं और कहां जाऊं, तेरे जैसा यार बाबा दूजा नहीं पाऊं। मैं जी सकदा नहीं, मैं रह सकदा नहीं, कोई दूसरी भी ख्वाहिश मैं रखदा नहीं।